क्या रोमन रेंज ने डेनियल ब्रायन के खिलाफ टैप आउट कर दिया है? और करा तो क्यों करा, बावजूद इसके जीत वहां रोमन रेंज की हुई है। अब मेन इवेंट में जो कुछ देखा उसके क्या मायने हैं और इसका रसलमेनिया 37 पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है यूनिवर्सल टाइटल मैच पर, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि फास्ट लेन पीपीवी आज एंड हो चुका है और उससे पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में डेनियल ब्रायन ने कहा था कि वो रोमन रेंज को फास्ट लेन में टैप आउट करवाएंगे, जिसके जवाब में रोमन रेंज ने कहा था कि उन्होंने कभी टैप आउट नहीं करा है और ये बदलने वाला भी नहीं है। अब आज के फास्ट लेन पीपीवी के मेन इवेंट में डेनियल ब्रायन ने काफी बार रोमन रेंज पर अपना सबमिशन लगाया, हालांकि काफी बार रोमन रेंज उनसे बच के निकल गए, लेकिन जब जे उसो ने आके एज और डेनियल ब्रायन पर अटैक करा, फिर डेनियल ब्रायन ने गलती से एज को चेयर शॉट दे दिया था। उसके बाद डेनियल ब्रायन ने रोमन रेंस को सबमिशन में पकड़ा, जहां रोमन रेंस को रेफरी की एब्सेंस में टैप आउट करते देखा गया। अब टेक्निकली देखा जाए तो रोमन रेंस ने टैप आउट कर दिया था, वो बात अलग है कि उन्हें रेफरी ने नहीं देखा था। तो मुझे नहीं लगता है कि WWE रोमन रेंस के कभी ना टैप आउट करने वाले रिकॉर्ड को यहां ब्रेक करेगी, और खुद रोमन रेंस भी इसको नहीं मानने वाले कि मैंने टैप आउट करा था। रोमन रेंस कहेंगे कि जीत मेरी हुई थी। हालांकि अब देखा जाए तो यह बदल गया है, बट WWE अपनी रिकॉर्ड बुक में इसे दर्ज नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि जब रोमन रेंस को टैप आउट से नहीं हरवाना था तो उन्हें टैप आउट करते दिखाया क्यों? ऐसा इसलिए दिखाया गया क्योंकि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में डेनियल ब्रायन दावा कर सकेंगे कि रोमन रेंस से उन्होंने टैप आउट करवा लिया है और उनके साथ बेईमानी हुई है, और इसके बेस पे WWE रसलमेनिया में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस एज के मैच में डेनियल ब्रायन को भी ऐड करके उसे ट्रिपल थ्रेट मैच बना पाएगी। और ऐसा होने के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि एज ने मेन इवेंट में खुद पे हुए अटैक के बाद चेयर से रोमन रेंस और डेनियल ब्रायन को भी मारा था, जिसके बाद रोमन रेंस को डेनियल ब्रायन को पिन करने में आसानी हुई और टाइटल भी वो रिटेन करके ले गए, जिसके बाद ऐसा मैच होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं अब रसलमेनिया में। वहीं वीडियो एंड करने से पहले आप सभी को बता दूं, रोमन रेंज ने डेनियल ब्रायन के खिलाफ टाइटल रिटेन करके फास्ट लेन में 4-0 से बढ़त बना ली है। रोमन रेंज कभी भी फास्ट लेन में अपना मैच हारे नहीं है और आज की डेट में भी वो मैच नहीं हारे। शायद इस रिकॉर्ड को भी WWE नहीं तोड़ना चाह रही थी, इसी वजह से रोमन रेंज डेनियल ब्रायन के खिलाफ टाइटल रिटेन करते हुए दिखाई दे चुके हैं। तो ये था एक्चुअल रीजन रोमन रेंज को टैप आउट करते दिखाने के पीछे का। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को आप भी टैप आउट करवा दो और सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।